हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो 11th के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर आपका चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मैं आपका क्या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को क्या कर रहा हूँ, आपका डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में आपको क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ, ठीक है। अब तक आपके दो लॉ कम्प्लीट हो गए हैं, एक आपका कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दूसरा कौन सा आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो तीसरा लॉ है वो कौन सा है आपका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। मैं इसका कोई भी डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ ये लॉ कहता क्या है, ठीक है। फिर आपको हो सकता है जब मैं डेफिनेशन लिखूँगा तो हो सकता है कि आपको क्या हो जाए, डेफिनेशन तुरंत दिमाग में बैठ जाए और आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। केमिस्ट्री में रटा नहीं जाता है, याद रखा जाता है। रटने और याद रखने में डिफरेंस है। याद रखने का मतलब क्या है आपका, कि उस चीज़ को आप समझे हुए हो वो आपके साथ क्या होगा, लॉन्ग टर्म में जाएगी, ठीक है। रटोगे, आज रटोगे, एक दिन दो दिन याद रहेगा, फिर वो एग्ज़ाम तक ही रहेगा या फिर उसके बाद आप भूल जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में इसमें होता क्या, ये लॉ कहता क्या है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट हैं, ठीक है, दो एलिमेंट है, सपोज दैट मैं क्या ले रहा हूँ, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक। ये दो आपके क्या है, एलिमेंट हैं, और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया एलिमेंट वन, और ये क्या हो गया, एलिमेंट टू, ठीक है। अब ये आपस में क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे, तो आपस में रिएक्ट करके मान लो ये क्या करते हैं, एक से ज़्यादा आपके यहाँ पर कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला कंपाउंड इसका हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दूसरा कंपाउंड क्या हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या थे, ये दो एलिमेंट थे, दोनों एलिमेंट आपस में क्या किए, कंबाइन किए, और कंबाइन करके आपके क्या बना, दो यहाँ पर कंपाउंड बनाए, एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर ये लॉ क्या कहता है कि आपका ये तो कंबाइन करके टू कंपाउंड या फिर उससे ज़्यादा कंपाउंड भी आपका क्या कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। तो ये लॉ कहता क्या है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इन दोनों एलिमेंट में से, ठीक है, इन दोनों एलिमेंट में से किसी एक का मास क्या कर दो, फिक्स कर दो, ठीक है, या फिर किसी एक का मास क्या करो, फिक्स ले लो, ठीक है। क्या फिक्स कर रहे हैं हम लोग, मास। तो यहाँ पर आपका क्या है, कार्बन का मास सपोज दैट हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर अब आपका क्या बताता है कि अब जो ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होने वाला है, ठीक है, कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ, वो क्या होगा, अलग अलग कंपाउंड में इस तरीके से इसके साथ कंबाइन करेगा कि जब आप इनका मास रेशियो लोगे अलग अलग कंपाउंड में, तो वो आपका क्या आएगा, सिंपल वो नंबर आएगा, ठीक है। वो क्या आएगा आपका, सिंपल वो नंबर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हुए होंगे, एक बार और समझाता हूँ। आपका दो एलिमेंट है, दोनों आपके क्या होंगे, कंबाइन होंगे, दो या दो से अधिक कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इन दोनों एलिमेंट में से किसी एक का मास फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो किसी एक का यहाँ पे आपका क्या है, कार्बन का मास फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो इसके साथ कंबाइन होने वाला है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में इस तरीके से क्या होगा, कार्बन के साथ आपका कंबाइन करेगा कि इसमें अगर आप इनके मास रेशियो को क्या करोगे, ऑक्सीजन के मास रेशियो को क्या करोगे, कंपेयर करोगे या फिर उनका रेशियो लोगे, तो वो क्या आएगा आपका, सिंपल वो नंबर आएगा, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ कैसे। तो यहाँ पर आपका क्या है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरा आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसमें कार्बन का अमाउंट कितना है, इसमें कार्बन का अमाउंट है आपका 12 यूनिट, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है आपका, 16 यूनिट, ठीक। यहाँ पर कार्बन का अमाउंट कितना है आपका, 12 यूनिट। यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है आपका, 32 यूनिट, ठीक है। तो इन दोनों कंपाउंड में कार्बन का अमाउंट क्या है, फिक्स है। कितना है, फिक्स है आपका, 12 यूनिट फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड में, इनका रेशियो क्या है, तो 6:32, कितना हो गया आपका, 1:2, तो जो कि क्या आ रहा है आपका, सिंपल वोल नंबर, क्या आ रहा है, सिंपल वोल नंबर, ठीक है। इसको मैं और भी एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इसका मैं अब स्टेटमेंट लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या समझना है, दो एलिमेंट जब आपके क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, ठीक है, तो दो या दो से अधिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब इसमें करना क्या है, किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स रख लेना है, जो दूसरा वाला क्या हो रहा है, इसके साथ कंबाइन होने जा रहा है, वो डिफरेंट कंपाउंड्स में इसके फिक्स मास के साथ इस तरीके से कंबाइन होगा कि जब आप उनका रेशियो लोगे तो आपका क्या आएगा, सिंपल वोल नंबर, क्या आएगा, सिंपल वोल नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है, देखिएगा डिफिनेशन आपको अब समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिफिनेशन क्या कहता है, ठीक, when two elements
combine to form two or more than two compounds in which one element with different masses combine with one element of same mass in a simple wohl number ratio ठीक है. When two elements combine to form two or more than two compounds in which one element with different masses combine with one element of same mass in a simple wohl number ratio. ठीक है, समझते हैं. तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, when two elements, वही example, कार्बन एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट हो गए, कंबाइन करके आपके क्या फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं आपके, ये यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, यहाँ तक आपका क्या हो गया, लाइन क्लियर हो गई. व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स इन विच वन एलिमेंट विद डिफरेंट मास. ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन जरा कंसीडर कीजिए, जिसमें कितना यूनिट है ऑक्सीजन का, और ये कार्बन ऑक्सीजन का इसमें कितना है, 16 यूनिट. और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है आपका, 2 × 16 यानी कितना हो गया आपका, 32 यूनिट है. ठीक है, कितना है, 32. फिर इसके बाद आ जाइए, इन विच वन एलिमेंट विद डिफरेंट मासेस 16 एंड 32 यूनिट कंबाइन विथ वन एलिमेंट ऑफ सेम मास. ठीक है, तो यहाँ पर आपका कार्बन क्या हो गया, इसमें भी कार्बन कितना है आपका, 12 यूनिट, और इसमें भी कार्बन कितना है आपका, 12 यूनिट. ठीक है, ऑफ सेम मास. तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये जो डिफरेंट मास में आपका क्या हो रहा है, कंबाइन कर रहा है, उनमें जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपका, आपका सिंपल वो नंबर रेशियो होगा. तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 60:32 कितना हो जाएगा आपका, 1:2. ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 1:2. क्लियर हो रहा है. When two elements combine to form two or more than two compounds in which one element with different masses combine with the element with one element of same mass in a simple wohl number ratio. Clear है? और example मैं यहाँ पर देता हूँ आपको. ठीक है, और example यहाँ पर आपको देता हूँ, गौर कीजिएगा. तो यहाँ पर आपका जो दूसरा एग्जांपल है वो मैं लेने वाला हूँ, एलिमेंट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, एंड सेकंड आपका कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन. ठीक है, गौर कीजिएगा यहाँ पर. तो यहाँ पर आपका पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, दूसरा एलिमेंट है आपका ऑक्सीजन. तो कौन कौन से यहाँ पर आपके कंपाउंड बन सकते हैं इससे आपका रिलेटेड. ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं, कंपाउंड इनसे रिलेटेड, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर गौर कीजिएगा. पहला आपका हो गया N2O. ठीक है, दूसरा आपका हो गया NO. ठीक है, तीसरा आपका हो गया N2O3, एंड फोर्थ आपका हो गया N2O5. ठीक है, ये सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड है. ठीक है, क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका एक एलिमेंट के मास को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, और जो दूसरा वाला पहले वाले के साथ कंबाइन कर रहा है उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपका, सिंपल वो लंबर रेशियो होगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको क्या समझना चाहिए, यहाँ पे अब N2O में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर N2O में क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के अमाउंट को ज़रा देखिए. नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14 होता है तो 2 × 14 कितना हो जाएगा, 28. ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन होता है 16. यहाँ पर NO में क्या हो जाएगा आपका, 14, और ऑक्सीजन कितना है आपका, 16. ठीक है, N2 कितना हो जाएगा आपका, 28. यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका, 48. N2O5 नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 28, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका, 80. ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 80. अब यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है आपका, वेरी कर रहा है. यहाँ पर आप नाइट्रोजन के मास को क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो. अब बात ये आती है, यहाँ पर 14 है तो इसको भी 28 जब आप करोगे, तो जब 28 करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे. इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, सेम मास आपको लेना है एक एलिमेंट का, तो ये आपका हो जाएगा 28, और ये किस में चला जाएगा आपका, 32.
यहाँ पर आपका क्या हो गया, दो एलिमेंट आपने लिया, वो मोर देन टू और मोर देन टू कंपाउंड फॉर्म किया, इनमें से एक एलिमेंट के मास को क्या कर दिया आपने, फिक्स कर दिया, और दूसरा वाला जो उसके साथ कंबाइन हो रहा है उनका क्या लेना है, सिंपल रेशियो लेना है। तो क्या हो जाएगा आपका 60:32:48:80, ठीक है, कितना हो जाएगा 1:2:3:5, गौर कीजिएगा 5। तो ये आपका क्या हो गया, ये जो रेशियो आया वो क्या है आपका, सिंपल व्होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो ये लॉ आपका क्या कहलाता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्या कहलाता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से लॉ हो गए, ठीक है, कौन कौन से लॉ हो गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया आपका, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एंड तीसरा आपका यहाँ पर कवर होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है, स्टेटमेंट में आपको नहीं समझ में आता है, एक दो बार इस वीडियो को देखिए, ठीक है, एग्जांपल से आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर तब भी थोड़ा बहुत डाउट होता तो अपने बुक को खोलिए, ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश किया है अपना 100% दिया यहाँ पर समझाने के लिए, ठीक है, थैंक यू।